हेलो, हम लोग को यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया गया है के एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस के। अगर इस पॉलिनोमियल को हम एक्स से डिवाइड करें तो हमको रिमाइंडर मिलता है -3। अगर इसी पॉलिनोमियल को अगर हम लोग एक्स प्लस के से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलता है ए। और हमें किसकी वैल्यू पता लगानी है? हमें ए की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको पहले डिवाइड करके रिमाइंडर को फाइंड करते हैं। तो हमारी पॉलिनोमियल थी के एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस के। इसको हमने क्या करा? डिवाइड करा किससे? एक्स से। अगर हम इसको एक्स से डिवाइड करें तो हमको रिमाइंडर मिलता है -3। तो देखते हैं इसको हमने डिवाइड करा, क्या क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? के एक्स से। तो कितना आ जाएगा? के एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर दें, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? ए एक्स। अब इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? फिर से मल्टीप्लाई करें ए से। तो कितना आ जाएगा? ए एक्स। सब्ट्रैक्ट कर दें, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? के। ठीक है, के हमारा क्या बचा है? रिमाइंडर। पर लेकिन हम लोग को रिमाइंडर क्या दिया गया है? गिवन रिमाइंडर इज -3। तो इसका मतलब क्या हो गया? -3 इज इक्वल टू के। के की वैल्यू क्या है? -3। अब हम इसी इक्वेशन को कह रहे हैं फिर से डिवाइड करें एक्स प्लस के से। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई? के एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस के को हम डिवाइड करना है हमें किससे? एक्स प्लस के से। लेकिन हमको के की वैल्यू कितना पता चल गई है? विच इज़ -3। तो यहाँ पे हम क्या कर दें? के की वैल्यू को -3 पुट कर दें। -3 एक्स स्क्वायर -3 ए -3। ठीक है, दिस इज ए एक्स। यहाँ तो के नहीं होगा, दिस इज ए एक्स। ये के हो, के की वैल्यू बस पुट करनी है। ठीक है, कितना हो गया? एक्स -3। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखते हैं क्या आ रहा है। इसको हमने डिवाइड करा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -3x से। 3x से करा तो कितना आ गया? -3x स्क्वायर। -3 -3 क्या हो जाएगा? +9x। क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस ए एक्स है और ये 9 है, तो क्या आ जाएगा? ए -9x। और इधर से 3 आ जाएगा, -3। अब इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? फिर ए -9 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ए -9 कर दिया तो ये कितना आ गया? ए -9x। ठीक है, फिर इधर क्या आ जाएगा? ए -9 इंटू 3। ठीक है, -3 इंटू ए -9, दिस इज ए। अब हम क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर दें, ये तो कैंसिल हो गया। ये क्या आएगा? ये आएगा -3, तो ऐसे कैसे आ जाएगा? ये हो जाएगा +3 ए। ब्रैकेट ओपन कर दिया और दिस इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? -27। ये हमारा आ जाएगा रिमाइंडर। क्या आ जाएगा? रिमाइंडर। ठीक है, अब पूछा अगर ये हमारा रिमाइंडर है, और लेकिन हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था? रिमाइंडर इज ए। ठीक है, गिवन रिमाइंडर इज ए। तो -3 + 3 ए -27 किसके बराबर हो जाएगा? ए के, क्योंकि उन्होंने रिमाइंडर हमको ए दिया है। इसको हम लोग सॉल्व कर लें। ठीक है, तो -30 + 3 ए इज इक्वल टू ए। तो कितना हो जाएगा? 3 a - a इज इक्वल टू 30। कितना हो जाएगा? 2 a इज इक्वल टू 30। तो a इज इक्वल टू 30/2, कितना आ गया? 15। तो a की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 15। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू।